दोस्तों स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों अभी तक आपने स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम करेंगे राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरण और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो किस प्रकार हुआ, इसके 7 चरणों के अंतर्गत एकीकरण हुआ और इसके कौन कौन से नाम रहे और कौन कौन सी तिथियों के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई उसका हम विवरण देखेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का उसमें एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर इसका एकीकरण संबंधित पूछ ही लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके जैसे कि प्रत्येक चरण के कौन कौन से चरण के अंतर्गत कौन कौन सी नाम दिया गया है और उनकी डेट क्या रही और कौन कौन सी रियासतें वो ठिकाने इसमें सम्मिलित किए गए, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके हम फर्स्ट फेज के अंतर्गत करेंगे 3 चरणों के बारे में, वो भी 1948 के तीनों ही, ताकि आपको कोई भी मिस कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अगले वाला सेशन हम 1949 का करेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो आज हम करेंगे 3 चरण करेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो प्रथम चरण है अपना उसको नाम हम मत्स्य संघ दिए गए हैं, देखिए आप, और इसका जो 18 मार्च 1948 को इसका नाम दिया गया था और उसमें जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों व निमरान ठिकाना इसके अंतर्गत रखा गया। आपको ध्यान रखना होगा कि जो 4 तो रियासतें रखी गई और उसमें एक निमराना ठिकाना रखा गया। कब उसका मत्स्य संघ का गठन हुआ, तो आपको ध्यान रखना होगा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ, ठीक है। फिर आपको द्वितीय चरण में लेके चलते हैं, तो द्वितीय चरण आपका किस प्रकार रहा, देखिए आप, ये द्वितीय चरण है और इसका नाम दिया गया था राजस्थान संघ। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय चरण का नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना होगा राजस्थान संघ नाम दिया गया था और इसका जो गठन किस प्रकार हुआ, देखिए 25 मार्च 1948, आपको ध्यान रखना होगा मत्स्य संघ से 7 दिन बाद में इसका 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना होगा 7 डेज, ठीक। आगे मत्स्य संघ से राजस्थान संघ का निर्माण किया गया और दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें रही आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतें व एक कुशलगढ़ ठिकाना इसके अंतर्गत रखा गया और प्रदेश में नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जोड़ा गया राजस्थान संघ के अंतर्गत 25 मार्च 1948 के द्वारा। और फिर देखते हैं कि तृतीय चरण जो राजस्थान का हुआ किस प्रकार हुआ, देखिए, और उसको नाम हम देंगे संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान नाम दिए गए और वो कब हुआ, 18 अप्रैल 1948, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। मत्स्य संघ हुआ वो कब हुआ, वो हुआ 18 मार्च 1948 और जो अपना संयुक्त राजस्थान कब हुआ, 18 अप्रैल 1948। देख 18 है वो मार्च है मत्स्य संघ का और इसमें संयुक्त राजस्थान का है वो 18 अप्रैल है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। और इसके अंतर्गत दोस्तों उदयपुर रियासत मिली थी, एक ही रियासत इसमें राजस्थान संघ था ना, जो इसका जस्ट द्वितीय चरण, उसके अंतर्गत तृतीय चरण के दौरान ओनली उदयपुर रियासत इसमें मिल गई तो उसका नाम दे गया संयुक्त राजस्थान, इस प्रकार इसका नाम दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं और 18 अप्रैल 1948 को, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा किस प्रकार इसके चरण हुए। और 3 चरण अभी हमने किए हैं क्योंकि ज़्यादा एक साथ सभी चरण कर लेने से थोड़ा आपको इसकी तिथि में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता और नाम में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, इसलिए हमने गैप लेके करेंगे। जो भी 4 अगले चरण हैं उसको नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, तो इसके चरण को आप देख सकते हैं और याद कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस संबंध में आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।